हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए, रीग्रोथ और बालों को लंबा करने के लिए हम अलग अलग मेथड ट्राई करते हैं और लोग आपको अलग अलग DIY भी रिकमेंड करते हैं, लेकिन ज्यादातर हमें लोग ऑयल रिकमेंड करते हैं और गर्मियों में ऑयलिंग हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि ऑलरेडी हमारी बॉडी गर्मियों में ऑयल का सिक्रेशन करती है। कभी कभी आप देखते हैं कि हमारा स्कैल्प बहुत ज्यादा चिपचिपा हो जाता है, तो जब हम और ज्यादा ऑयलिंग कर लेते हैं यानी ऑयल अप्लाई कर लेते हैं तो एक्स्ट्रा ऑयल की वजह से हमें हेयर फॉल होने लगता है। यानी फायदा तो होता नहीं बल्कि नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप भी हेयर फास्टिंग करना चाहते हैं और ऑयलिंग से बचना चाहते हैं तो आज के DIY एक अच्छा सॉल्यूशन है जिसके थ्रू आप अपने बालों को न्यूट्रिशन दे सकते हैं जिससे आपका हेयर फॉल तो रुकेगा, साथ में आपकी रीग्रोथ भी स्टार्ट होगी और आपके बालों की लंबाई भी बढ़ेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जुल्फों को बांध लेती हूँ बिकॉज गर्मी हो रही, ऊपर से ये सारे चेहरे पे आ रहे हैं और मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि उफ गर्मी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम सोनाली सिंह। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं आपके लिए हेयर केयर, स्किन केयर, मेकअप और हेयर स्टाइल की वीडियो लाती रहती हूँ। हेयर केयर, स्किन केयर की वीडियो ट्यूजडे, थर्सडे और सैटरडे अपलोड होती है। मेकअप और हेयर स्टाइल की वीडियो मोस्टली मंडे को होती है, लेकिन कभी कभी शेड्यूल थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है जब ज्यादा कोई ऐसा काम आता है कि हाँ ये वीडियो अपलोड कर लें, अदरवाइज यही वाला शेड्यूल फॉलो होता है। आज का वीडियो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए, बिकॉज हम सभी अपने बालों से बहुत प्यार करते हैं और ये बालों का झड़ना और बाल ना उगना ये समस्या आजकल मेल एंड फीमेल दोनों में कॉमन हो चुकी है और इसके बहुत सारे रीजन हैं जिसके बारे में मैं आज बिल्कुल बात नहीं करूंगी बिकॉज ऑलरेडी हम इनके बारे में बात कर चुके हैं। आज हम सिर्फ सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि कैसे हमें अपने इन प्रॉब्लम से छुटकारा पाना है और अपने बालों को फिर से ही वैसा बनाना है। तो चलिए DIY स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आज के इस वीडियो में मैंने उस इंग्रेडिएंट को यूज किया है जिसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा है। हेयर फॉल या हेयर ग्रोथ की जहां भी बात आती है तो इस इंग्रेडिएंट का नाम जरूर लिया जाता है, लेकिन सिर्फ अनियन से बाल उगेंगे और हेयर फॉल कंट्रोल होगा इतना काफी नहीं है। इसको यूज करने से पहले आपको सब कुछ पता होना चाहिए। एंड सेकंड थिंग, अगर आप सच में इस प्रॉब्लम के लिए सीरियस है ना, तो चाहे आप मेरी DIY यूज करें या कोई और या कोई प्रोडक्ट यूज करें, उसमें एक चीज और इन्वॉल्व करें। मॉर्निंग में आपको योगा करना है। योगा से आपका ब्लड सर्कुलेशन स्कैल्प का बूस्ट होगा और आपके जो रेस्टिंग फॉलिकल्स है ना, जो क्लोज हो चुके हैं, जिनसे बाल नहीं आ रहे, वो ओपन होंगे। तो बहुत फर्क पड़ता है योगा का आपके हेयर फॉल और रीग्रोथ में। तो प्लीज आप इस छोटे से प्रोसेस को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करें, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। योगा से वैसे भी बहुत सारे और भी फायदे हैं, बॉडी फिटनेस, फ्रेशनेस होती है आपके अंदर और आपकी हेल्थ भी अच्छी होती है। तो मैं आपको ये चीज रिकमेंड करूंगी कि अगर आपके पास टाइम है तो इसे जरूर फॉलो करें। चलिए अब अपनी DIY स्टार्ट करती हूं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच मेथी का इस्तेमाल किया है। मेथी को मैंने रात में पानी में भिगो के रख दिया था और आप देख रहे हैं कि मॉर्निंग में अच्छे से फूल गई है। मेथी में हाई प्रोटीन पाया जाता है जो कि हमारे बालों को लंबा करता है, बालों को मजबूती देता है, बालों को हेल्दी रखता है, बालों में शाइन ऐड करता है और साथ में इसमें निकोटिनिक एसिड कंटेंट पाया जाता है जो कि हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, एलोपेसिया एंड बैलनेस जैसी प्रॉब्लम को रोकता है और इसके साथ इसमें लेसिथिन पाया जाता है। लेसिथिन एक स्मूथ टेक्सचर होता है जो कि हमारे बालों को नरिश करता है, बालों को सिल्की सॉफ्ट एंड हेल्दी बनाता है, यानी कि बालों में कंडीशनर की तरह काम करता है। तो सिर्फ 2 चम्मच आपको मेथी का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट हम यूज करेंगे 2 से 3 प्याज यानी कि अनियन। मैंने यहाँ पे देसी प्याज लिए हैं एंड कोशिश करें आप रेड वाले अनियन का यूज करें जो कि बिल्कुल देसी हो एंड उन्हें हम अच्छे से छील के पील कर लेंगे और उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर लेंगे। हम सभी जानते हैं कि अनियन किस हद तक बेनिफिशियल है इन प्रॉब्लम के लिए। अनियन में एक्स्ट्रा सल्फर पाया जाता है जो कि हमारे हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, बालों को मजबूती देता है और रूट्स को स्ट्रेंथ देता है। इसके साथ ही सल्फर हेल्प करता है कोलेजन के प्रोडक्शन में और कोलेजन हेल्प करता है रीग्रोथ और हेयर ग्रोथ में, तो इसलिए अनियन का जो सल्फर है वो बहुत बेनिफिशियल है। और नेक्स्ट हम यूज करेंगे कुछ करी लीव्स। पहले हम इन्हें अच्छे से वॉश कर लेते हैं एंड उसके बाद हम इन्हें अलग कर लेंगे डंठल से। करी लीव्स में प्रोटीन एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कि हमारे बालों को मजबूती देता है और इसमें इसेंशियल मिनरल्स एंड वाइटामिन भी पाए जाते हैं जो कि हेयर फॉल को रोकने में और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप अपनी डाइट में भी ज्यादा से ज्यादा करी लीव का इस्तेमाल करें। और नेक्स्ट हम यहाँ पे लेंगे कुछ अदरक।
अदरक में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीफंगल, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। ये हमारे स्कैल्प में होने वाली अकड़म बकड़म जो भी प्रक्रिया होती है उन सबको स्टॉप करता है, साथ में हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करता है। जब तक आपका ब्लड सर्कुलेशन सही से आपके स्कैल्प में नहीं होगा ना, तब तक सारी रेमेडी, सारी DIY फेल हो जाएगी, क्योंकि अगर आपके पोर्स ही नहीं खुलेंगे, आपके जो फॉलिकल्स हैं वो ही नहीं एक्टिव होंगे, तो रेमेडी लगाने का कोई फायदा नहीं है। अदरक जो भी आपकी अनहेल्दी रूट्स होती है ना, उन्हें क्लीन करके हेल्दी करता है, और जो भी बैक्टीरियल प्रॉब्लम होती है, प्रोसेस होती है, उन्हें कंट्रोल करता है। तो थोड़ा सा अदरक लेना, उसे अच्छे से पील करके और छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर लेना है। अब हमें यहाँ पे एक ब्लेंडर चाहिए, और उस ब्लेंडर में हम सबसे पहले मेथी को उसके पानी के साथ ऐड कर देंगे, और कोशिश करके रात में ही आप मेथी में एनफ वाटर को मिला दें, ताकि हमें मॉर्निंग में ऐड ना करना पड़े, और उस पानी के साथ ही मेथी को उसमें डाल देंगे, और उसके बाद फिर हम अनियन और करी लीव्स और अदरक को भी उसमें ऐड करके अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद जब ये पेस्ट बन जाएगा, एंड उस पेस्ट को आप छन्नी से तो छान सकते हैं, आप चाहें तो कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एक कॉटन कपड़ा, और उसमें मैं इसे छान लूँगी। आप इस तरीके से स्क्वीज करेंगे तो जितना भी इसमें सीरम है, यानी कि जितना भी इसमें वाटर है, न्यूट्रिशनल वाटर है, वो सारा बाहर आ जाएगा। बहुत क्वांटिटी में नहीं निकलेगा, क्योंकि हमने इसमें बहुत ज़्यादा पानी एक्स्ट्रा यूज़ नहीं किया है, ये प्योर जूस है जो कि हमारे इंग्रेडिएंट से निकला है, और उसके बाद हम इसे सेपरेट कर लेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें अनियन की स्मेल ना आए, बेसिकली आप लोगों की शिकायत होती है कि अनियन की स्मेल आती है, तो आप इसमें कोई भी इसेंशियल ऑयल जो आपके पास है, आप 4 से 5 ड्रॉप इसमें ऐड कर दो। इस ऑयल का ये फायदा है कि एक तो ये आपकी DIY को स्टोर करके भी काफी समय तक रखेगा, और दूसरा इसमें से अनियन की स्मेल भी नहीं आएगी। एड करने के बाद आप किसी भी खाली बॉटल में, मैं तो यहाँ रोज वाटर की बॉटल यूज कर रही हूँ, और इसमें हम इसे फिल करके रख लेंगे, और आप भी इसे इस तरीके से किसी में भी स्टोर करके रख सकते हो, एंड फ्रिज में आप इसे 7 दिन तक रहने दीजिए, और 7 दिन यानी कि 1 वीक में आपको इसका इस्तेमाल 3 टाइम करना है, और जब भी आप अपने हेयर को वॉश करें, सिर्फ उससे आधे घंटे पहले अपने बालों पे इसे अप्लाई करिए। जो भी अनियन वाले हेयर सीरम, हेयर मास्क होते हैं, और मोस्टली हेयर ऑयल जिसे हम रात भर लीव करते, तो ये गलती कभी ना करें। अनियन रात भर हमारे बालों में रहना ठीक नहीं है, तो इसलिए हमें सिर्फ आधे घंटे ही इसका इस्तेमाल, यानी इसका एप्लीकेशन अपने बालों पे रहने देना है, और आधे घंटे बाद हम अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। और जब भी आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे पहले आपको इसे हल्का सा शेक करना है, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी इक्वल हो जाए, एंड उसके बाद हम इसे किसी बाउल में सेपरेट कर सकते हैं, या डायरेक्टली एक कॉटन लेना है, यानी कि रुई लेना है, रुई के ऊपर इस सॉल्यूशन को लेंगे और कॉटन के थ्रू अपने स्कैल्प पे इसे अप्लाई करेंगे। तो जो भी आपका अफेक्टेड एरिया है, लाइक अगर सेंटर में प्रॉब्लम हो रही है हेयर फॉल की, या किसी की हेयर लाइन अफेक्टेड होती है, या किसी का मतलब स्कैल्प में पैची एलोपेसिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको वहां पे इसे कॉटन के थ्रू अप्लाई करना है। वन टाइम हमें हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, वो भी पूरे स्कैल्प में, तो आप पूरे स्कैल्प को भी कवर करना चाहो तो कर सकते हो, और उसके बाद हमें सिर्फ आधे घंटे के लिए इसे अपने स्कैल्प पे रहने देना है, और आप अपने हेयर को वॉश कर सकते हो। तो ये तो था हमारा DIY सीरम बोलो या जेल बोलो, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, हेयर ग्रोथ के लिए और हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए, बालों को लंबा करने के लिए। लेकिन जो हमारा मटेरियल था जिसे हमने इसे छाना था, अब उस पेस्ट को क्या करेंगे, उसे फेंक देंगे? देखिए, फेंकिए मत उसे, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करिए और उसका मास्क बना लीजिए, और उसे आप अपने बालों पे हफ्ते में 1 बार अप्लाई कर सकते हो। बिकॉज ये जो इंग्रेडिएंट हैं, ये बहुत बेनिफिशियल हैं, और इसे वेस्ट करना भाई मुझे तो बिल्कुल गवारा नहीं है। तो मैंने इसका मास्क बना लिया है, और इस मास्क को हम अपने बालों और स्कैल्प पे अच्छे से, यानी कि इंटायर स्कैल्प पे हमें अच्छे से अप्लाई कर लेना है। अब देखिए, एक साथ आपको 2 रेमेडी बनानी नहीं पड़ेंगी, एक बार में ही हो जाएगा सारा काम, और दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आप ऐसा करिए कि जिस दिन आप मास्क अप्लाई कर रहे हैं ना, उस दिन फिर आप सीरम ना अप्लाई करें, बिकॉज सेम ही इंग्रेडिएंट से दोनों DIY बनी है, तो आप उस दिन सीरम को स्किप कर सकते हैं। मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मुझे आपको वीडियो में शो करना था कि कैसे आप इसे अपने बालों पे अप्लाई करोगे। लेकिन जिस दिन आप मास्क लगा रहे हैं, उस दिन सीरम ना लगाएं, और बाकी के जो डेज हैं, जिस दिन आप हेयर को वॉश करें बीच में वीक में, उस दिन आप सीरम को फॉलो कर सकते हैं, और फिर जिस दिन आप इस DIY को प्रिपेयर करें, उस दिन उस मास्क को लगा लें, एंड उसके बाद फिर से सीरम। तो बहुत ईजी प्रोसेस है, और ज्यादा मेहनत भी नहीं है। और वही प्रोसेस की हेयर को वॉश करने के बाद हमें अपने बालों को हल्का सा टॉवल से ड्राई कर लेना। अब देखिए, हमने जो मेथी यूज किया है इस मास्क में,
तो मेथी जब हम ग्राइंड करते हैं तो वो पूरी तरीके से पिसता नहीं है, उसके थोड़े बहुत तो जो दाने होते हैं वो रह जाते हैं। और जब आप इस मास्क को अप्लाई करोगे तो वो आपके बालों में भी थोड़े बहुत दिखेंगे, वॉश करने के बाद भी दिखेंगे। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेने की हमारे बालों में तो ये चिपक गया, देखिए आप मेरे बालों में भी देख रहे होंगे छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट दाने। लेकिन जब आप कॉम करोगे और आपके बाल सूख जाएंगे तो आराम से निकल जाएगा। तो इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप जब बालों को झाड़ लेंगे तो ये अपने आप ही झड़ जाएंगे। बाद हम अपने बालों को कॉम्ब कर लेंगे और कॉम्ब करने के बाद हमारे बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट ऐसे ही होते हैं, चाहे उनका रिजल्ट कम दिखे लेकिन जितना भी होता है वो प्योर होता है। तो इस तरीके से आप इस DIY को फॉलो करें एंड प्रॉपरली इंग्रेडिएंट के साथ करें। ज्यादा दिन इसे स्टोर करके ना रखें, यानी कि एक हफ्ते से ज्यादा इसे स्टोर करके ना रखें, और उतना ही इसे क्रिएट करें जितना आप यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इसे बनाएं, इसका इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा और कोई ज़्यादा झंझट नहीं है, ऑयल की ज़्यादा कोई हेडेक नहीं लेनी आपको कि आपके स्कैल्प पे चिपचिपापन आएगा और आपको न्यूट्रिशन भी भरपूर मिलेगा। कोई भी प्रॉब्लम है जब तक आप उसका सही इलाज नहीं करेंगे तब तक वो ठीक नहीं होगी। तो आई होप कि आपने वीडियो को पसंद किया हो, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, साथ में कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा, एंड चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना। थैंक्स टू वॉचफुल वीडियो, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।